मेरा ये कहना है कि जो कल जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और ज़िला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतज़ाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो ज़िला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है, उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से, आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना, और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई। और अंत में जैसे आप सब लोग, काफ़ी लोग थे, रात को जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए, और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ, फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ, अभी तक मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो वो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी। और जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे, तो अभी जो है उन्होंने नोटिस, कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज़ करने, और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाएं और सीज़ करें, इसलिए उन्होंने कहा वो आज फोर्स मंगा रहे हैं। तो अब ये देखने की बात है, ये प्रशासन जो नोटिस उन्होंने लगाया है उस पर वो काम करे कि नहीं करे। आपको लगता है किस तरह से प्रशासन या उदयपुर की जो भी अथॉरिटीज काम कर रही है, किस तरह से दबाव में है? अब आप देख सकते हैं कि पथराव हुआ है और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं है, नहीं मिल रहा है मुझे, और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोलें। तो अब आप खुद अंदाज़ लगा दें कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। सामने की तरफ से भी कई सारे पथराव हुए थे, पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई, वही मैं कह रहा हूँ फिर कि जी उस तरफ से ये ऐसी घटना भी हुई, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो धुनी दर्शन और एकीम जी के दर्शन को का जो आपका कार्यक्रम था उसको लेके सामने वाले पक्ष ने लीगल नोटिस भी जारी किया गया था और अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पे उन्होंने लीगल नोटिस जारी करके रोक लगाई थी, हाँ, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? अब ये मैं कहूँगा कि जो एंटायर पैलेस कॉम्प्लेक्स है, जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है 1981 का, जो उसके खिलाफ कोई अपील पेश नहीं हुई थी, और जो कुछ साल पहले हमारे पारिवारिक सूट जो चल रहा था, ये पूरा प्रॉपर्टी जो है HOF प्रॉपर्टी मानी गई है, और लेट महाराणा भगवत सिंह जी ने भी अपने वसीयत में ये जो HOF के डिक्लेरेशंस है उसको माना है। तो जहाँ तक वसीयत की बात है, अगर कोई वसीयत की बात करे तो वसीयत की बात सिर्फ एग्जीक्यूटर कर सकता है, और वो आज के दिन अरविंद सिंह जी हैं, और बाकी कोर्ट ने तय कर दिया है, ट्राइब्यूनल ने तय कर दिया है कि ये पारिवारिक संपत्ति है, और जहाँ पूजा का स्थल है आप वैसे भी नहीं रोक सकते हैं। तो मेरा तो पूरा हक बनता है कि मैं वहाँ जा के रोक लगाऊँ, और कानूनी स्थिति तो यही है। सर, जो आपका जो परंपरा है धोनी के दर्शन करना, उसके बाद एकलिंग जी के दर्शन करना, उसके बाद शोक निवारण की जो परंपरा है, जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से 145 में उसको अधिग्रहित किया है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर जिला प्रशासन इस सब में फेल रहता है तो आप लोगों का क्या आगे का क्या रोड मैप रहेगा इस जहाँ पूरे? तक परंपरा की बात है, मैं तो एक थोड़ा सा हिस्ट्री में बता दूं कि जब एकलिंग जी मंदिर धूनी से पुराना है, धूनी जब धूनी माता या धूनी का स्थल यहाँ जब हुआ, जब उदयपुर बसा है, तो एकलिंग जी के दर्शन अलग है और धूनी पे दर्शन देना अलग है, और नोटिस तो जो उन्होंने दिया था कल, तो अब एकलिंग जी तो जाना है और वो ज़्यादातर कल ही जाएंगे, और जो नोटिस पेश किए हैं वो इन अ सेंस, जब प्रॉपर्टी HOF प्रॉपर्टी है तो नोटिस कहाँ से आएंगे, आई कैन वी जस्ट कट इट उसमें एक बहिष्कृत थोड़ा। बताया था महेंद्र सिंह जी सॉरी, मेवाड़ को कि बहिष्कृत पहले ही भगवत सिंह जी ने कर दिया था नोटिस में, ये उन्होंने कर रखा है। ये देखे वो विल की बात कर रहे हैं, जो विल में उन्होंने लिखा है और जो विल जो नोटिस में लिखा है, ये कोर्ट ऑर्डर और जो कोर्ट रिकॉर्ड उसके खिलाफ है, तो इसीलिए आप ये क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है जब पूरी संपत्ति HOF प्रॉपर्टी है, मैं परिवार का सदस्य हूँ, तो मेरे तरफ से तो क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है, कोई दर्शन दे के वापस आ रहा है, वो क्रिमिनल ट्रेसपास कहाँ से हुआ। एकलिंग जी मंदिर की बात है, आप मंदिर को कैसे बंद कर रहे हो, और मंदिर में कौन सा क्रिमिनल ट्रेसपास, हम तो दर्शन दे के वापस आएंगे।
क्या ये तानाशाही है, किस तरह से मान रहे हैं? अब तानाशाही है, अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो ये तो प्रशासन के फेलियर है। और ऐसे नोटिस भेज करना, और ये जो अखबार वाले ऐसे नोटिस छाप भी लेते हैं कि ये तो एक अंग्रेजी में कहें एब्सर्ड है कि कोई मंदिर में क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे कर सकता है, वो तो मंदिर में तो दर्शन के लिए ही जाए ना। धुनी दर्शन को लेके आपका क्या रुक रहेगा? और कई जगह पे लग रहा है कि समर्थक अब उदयपुर की तरफ आ सकते हैं, कानून व्यवस्था को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आगे का पूरा क्या योजना है? कानून व्यवस्था के लिए मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग ने मुझे साथ दिया, और मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग गलत चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आवाज़ उठानी है, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, वो तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और धूनी का दर्शन, अगर ये पहले फर्स्ट स्टेप है जो कलेक्टर ने कहा कि हम प्रॉपर्टी 145 में लेते हैं, तो एक कदम वो है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे दर्शन के लिए। तो दर्शन क्या कभी रूटीन में भी आपने किया सिटी पैलेस में पहले? सिटी पैलेस पोजीशन तो उनका है, और इसीलिए ये सब लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए मैं पैलेस में जा ही नहीं रहा हूँ, शायद आप सभी लोग को पता होगा। लेकिन क्योंकि कल एक खास अवसर था, इसलिए पहले ढोक देने के लिए जाना मैं समझता था उचित था, और एक तरह से परंपरा भी है, रीत भी है, तो इसलिए मुझे जाना है वहाँ पे। आखिरी बार आप कब दर्शन किए आपने जैसे धूनी के वाले? मैं लास्ट टाइम पैलेस के इस भाग में करीब आई थिंक 1984 में ही गया हूँ। वार्ताओं का लगातार दौर चल रहा है, ये कहा जा रहा है कभी 5 गाड़ी, कभी 5 लोग, कभी 3 लोग, असल में इसकी सच्चाई क्या है? क्या वार्ता है वास्तव में चल रही है, या फिर सिर्फ ये खबरों में ही दिखाई दे रहा है कि कुछ सकारात्मक होता दिखाई दे रहा है? अब जो वार्ता में बात चल रही थी, वो जो वार्ता करते हैं वही कह सकते हैं कि सही है कि गलत, लेकिन ये बात मेरे पास भी आई थी कि पहले कुछ 10 गाड़ी, फिर 5 लोग, फिर 10 लोग, फिर 3 लोग, तो मेरे ख्याल से सही क्या है, एक्चुअली ये सीरियस प्रपोजल था कि सिर्फ समय, ज़्यादा समय लेने के लिए कि लोग थक जाएंगे, इसलिए ये बात फेंकी जा रही थी। वो सच क्या है तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ। कोई समर्थकों के साथ में बैठक वगैरह का कोई दौर है अभी? कुछ लोग कहीं से चारों तरफ से मेवाड़ के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं, ऐसा कुछ है? आगे का आह्वान किया हुआ है कुछ आने का? आगे का आह्वान तो नहीं है, जो लोग आ रहे हैं उनके अपने दिल से आ रहे हैं, मन से आ रहे हैं, और जो आएंगे तो सबसे पहले यही है कि जो कल तय हुआ था रात को कलेक्टर ने ऑर्डर, ये 145 का है, उस पर वो कायम रहे और आगे कार्रवाई करे। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी आप बिल की बात करें और बात चल रही थी तो किसके साथ बात चल रही है, क्योंकि अगर कोई भी अपना हक बिल के थ्रू मांगता है या बिल की बात होती है तो वो एग्जीक्यूटर ही है। आज तक एग्जीक्यूटर तो सामने आया नहीं है, किसी और से बात हो रही है, तो अब तो इसलिए ये भी एक प्रश्न तो उठता है। आप दर्शन करने जब जाएंगे धूनी के, तो क्या अकेले जाएंगे या जो जितने भी राव उमराव है उस हिसाब से जाएंगे, क्या आपकी क्या योजना है? देखिए, ये एक परिवार में पूज्य स्थल है, तो मैं तो अकेला भी जा सकता हूँ, परिवार के साथ भी जा सकता हूँ, जो हमारे साथ पीढ़ियों तक जुड़े हुए हैं उनके साथ भी जा सकता हूँ, और ये शांतिपूर्वक धोख देने के लिए जाना है, तो इसलिए इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जैसे वह समय हो, अगर लोग साथ में हैं तो कुछ लोग साथ में जाएंगे, वैसे स्थल है तो कोई भीड़ तो लेके नहीं जाएगा, लेकिन जो जितने भी लोग साथ में हैं वो जाना चाहिए। परिवार के साथ साथ आप स्वयं विधायक हैं, आपकी पत्नी सांसद हैं, इतने सक्षम पदों पर आपकी सरकार होते हुए भी अगर प्रशासन इस प्रकार से पंगू दिखाई दे रहा, तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं कोई ऊपर खाने से दबाव की राजनीति खेली जा रही है? अब ये जो प्रशासन ने कल जो ढील बताई है, मैं तो यही वर्ड यूज़ करूँगा, ढील बताई है, और अगर ये बताते रहते हैं तो ऐसे जैसे आपने प्रश्न पूछा है, ये ऐसे प्रश्न तो ज़रूर उठेंगे। एक सवाल ये था सर कि वो कलेक्टर के नोटिस के खिलाफ कोर्ट में जाने के प्लान बना रहे हैं, तो ये अगर कोर्ट से स्टे आ जाता है तो ये तो मामला लंबा खिंच जाएगा? अब ये तो इन सेंस दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोर्ट में मामला जाता है वो लंबा खींच ही जाता है, लेकिन कोर्ट का रास्ता तो सबके लिए खुला है, तो अगर वो जाएंगे तो जाएंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप लगातार किसी विवाद से बचने के लिए उस दर्शन से दूर रहे, मगर आज क्योंकि परंपरा का हिस्सा है इसलिए वहां जाना जरूरी है, तो इस मीडिया के माध्यम से भी आप दूसरे पक्ष से ऐसी कुछ अपील करना चाहेंगे कि परिवार
एक है, परंपराओं का निर्वहन सभी की जिम्मेदारी है, तो मीडिया के माध्यम से भी आप दूसरे पक्ष से कुछ बात करना चाहेंगे? मीडिया के पक्ष में मैं कह देता हूँ कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले आदेश दिया था कि आप मीडिएशन के जरिए आप अपनी बातें स्पष्ट कर दें, मतलब सुलझा दें, तो ये कुछ महीने उसमें भी चले गए, लेकिन उस मीडिएशन में भी कुछ नतीजा नहीं निकला है। और तो अभी उसके आगे जब रूबरू बात हुई थी और तब भी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, और मेरे ख्याल से एक मुख्य कारण था कि दूसरे पक्ष कह रहे थे कि जो लेट मारना साहब है हम उनको लेट मारना साहब मानते ही नहीं हैं, तो अब अगर किसी का वो रुख हो तो उसके साथ वो क्या बात करें फिर उसके आगे। ठीक, तो अब मीडिएशन के लिए अगर आपस में कुछ समझौता हो वो तो हमेशा बेहतर ही होता है, लेकिन जब किसी का रुख ऐसा हो तो फिर आगे क्या बात करें। मेवाड़ तो सदा से ही परंपरा है और संघर्ष के लिए माना गया है, और ऐसे में अगर पारिवारिक विवाद के चलते इस प्रकार की परंपराएं बाधित होती है तो आपको नहीं लगता है कि परिवार का नहीं पूरे पूरे मेवाड़ के लिए कहीं ना कहीं विचारणीय विषय बन जाता है? विचारणीय भी है, और ये इन अ सेंस बहुत दुख की बात है कि ऐसी चीज़ों में ऐसी घटना होती है, ये तो होनी ही नहीं चाहिए, ये तो है, तो दुख की बात है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर।